Hello everyone, good morning, how are you all? Hoping you all will be fine. So today I'm just going to teach you an advanced rule, and this is advanced rule of past indefinite tense. So before going ahead, आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए समझते हैं आज पास्ट इंडिफिनिट का एक एडवांस रूल है, राइट। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये यूज ऑफ स्टार्ट या बिगिन, ठीक है, ये यूज ऑफ स्टार्ट या बिगिन का है, पास्ट इंडिफिनिट का ये एडवांस रूल है, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ओके, ये पास्ट इंडिफिनिट का एडवांस रूल है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले रखा जाएगा, उसके बाद स्टार्ट, या अगर प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस में होगा तो स्टार्ट लगाएंगे, यानी स्टार्ट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके अकॉर्डिंग, हम अगर सिंगुलर होगा तो एस से एस लगाएंगे, जबकि यहां पे क्या है, स्टार्ट का आपका वर्ड स्टार्ट है, स्टार्ट में लास्ट का लेटर क्या है, टी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एस लगा देना है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का हो गया, सिंगुलर बनाएंगे तो, और अगर पास्ट इंडिफिनिट में आएगा तो स्टार्ट में पास्ट इंडिफिनिट में टी डी लगाते हैं, यानी सेकंड फॉर्म वर्ब के लगाते हैं, तो उसको हम कर देंगे पास्ट का इंडिफिनिट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए स्टार्ट या स्टार्ट कर देंगे, पास्ट में केवल एक ही होता है, स्टार्टेड होता है, प्लस उसके बाद वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट या स्टार्टेड की जगह पे आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में स्टार्ट की जगह पे बिगिंस कर सकते हैं या बिगिन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या पास्ट में आएगा तो बिगेन कर देंगे, राइट। पास्ट में केवल एक ही होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिगेन भी कर देंगे, ठीक है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि वर्ब के पहले आपको टू लगाना है, दैट इज ऑलरेडी इन्फिनिटिव, हमने आपको पहले बताया है, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट में प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, सिम्पटम देखते हैं इसका क्या होता है, वर्ब के अंत में या सेंटेंस के अंत में लगता है, लगती है या लगते हैं, या पास्ट में अगर आएगा तो लगा, लगी, लगे, या फिर लगा था, लगी थी या लगे थे, सब आ सकता है, ठीक है, क्लियर है, सिम्पटम समझ में आ गया। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसका, व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस लिखा गया बच्चा रोने लगता है, कौन सा टेंस है, पास्ट का, प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस, तो द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट लगाएंगे, क्योंकि बच्चा एक ही है, इसलिए यहाँ पे एस लग गया, तो द चाइल्ड स्टार्ट्स वीपिंग, अगर आप स्टार्ट यूज कर रहे हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और अगर आप बिगिन का यूज कर रहे हैं तो इसमें एस लग गया, ये इसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, यानी इन्फिनिटिव का यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, पुलिस को देखकर दंगाई भागने लगे, किस टेंस में, ये पास्ट का इन्फिनिटिव हो गया, तो सीइंग द पुलिस, ये सीइंग द पुलिस कौन सा है, ये प्रेजेंट आपका पार्टिसिपल है, ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट ये पार्टिसिपल है, ठीक है। सीइंग द पुलिस द राइटर्स, राइटर्स मतलब दंगाई, स्टार्टेड रनिंग भागने लगे, या अगर आप स्टार्ट नहीं लगाएंगे तो बिगिन लगाएंगे, तो बिगिन का सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा, बिगिन टू रन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसका जोक या उसके जोक पर मैं हंसने लगा, उसके जोक पर मैं हंसने लगा, तो आई स्टार्टेड लाफिंग, स्टार्ट आपने लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर स्टार्ट में सेकंड पास्ट है, इसलिए स्टार्टेड कर दिया, आई सब्जेक्ट के बाद फिर स्टार्टेड, आई स्टार्टेड वर्ब आईएनजी फॉर्म लाफिंग, ऑन हिज जोक, उसके जोक पर, आई स्टार्टेड लाफिंग ऑन हिज जोक, ठीक है। नेक्स्ट, उसके साथ मैं भी जीने लगा, उसके साथ मैं भी जीने लगा, तो आई स्टार्टेड लिविंग, जीना का लिविंग, आई स्टार्टेड लिविंग विथ हिज, विथ हिम या विथ हर, ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे, ठीक है। अगर आप मतलब ये सब्जेक्ट की कारण आपको चेंज कर देना होगा, या तो हर या तो हिम, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं आगे, एक सेंटेंस ये है, आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ यू, इसका हिंदी आपको बताना है, मैं केवल इंग्लिश लिखा हूं, बताइए क्या है, देखिए आई स्टार्टेड फॉलिंग, यानी मुझे प्यार होने लगा, किससे, विथ यू, तुमसे, मुझे तुमसे प्यार होने लगा, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, उसे प्यार होने लगा, तो ही स्टार्टेड फॉलिंग इन लव, फॉल इन लव का मतलब क्या होता है, प्यार होना, फॉल इन लव इसका मतलब प्यार होना, ठीक है। देखिए और सेंटेंस देखते हैं आगे, वे धीरे धीरे गरीब होने लगते हैं,
ठीक है वे धीरे धीरे गरीब होने, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है ती है ते हैं, तो वे गरीब होने लगते हैं, तो दे स्टार्ट, इसमें एस आई एस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि एस आई एस का यूज कहां करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो, अदरवाइज केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। अब बीइंग का प्रयोग हुआ यहाँ पे, बीइंग का मतलब होता है होना, ठीक है, बीइंग का मतलब होना, यहाँ होना वर्ब आया है ना, क्या होना, गरीब होना, तो गरीब वर्ब है नहीं, तो होना जो वर्ब है आपका, तो दे स्टार्ट बीइंग पुअर स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, आप चाहेंगे तो इसको दो बार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग माना जाता है, स्लोली का मतलब भी होता है धीरे धीरे, ठीक है, चलिए हो गया। अब देयर आर सम वर्ड्स आर रिटन ऑन द बोर्ड, कुछ वर्ड मैं लिखा हूं, आप देखिए, रीड, सक्सीड, वॉक, अरेंज, मैरिज, स्लीप, होल्ड, फाइट, क्वेरल, हेट, लव, वी, ठीक है, अब इन वर्ड को आपको सेंटेंस में यूज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस रूल, इस एडवांस रूल की हेल्प से। देखिए रीड है, जैसे मैं पढ़ने लगा, जैसे देखिए घर पे आकर मैं पढ़ने लगा, तो कमिंग एट हाउस आई स्टार्टेड द रीडिंग, ठीक है, सक्सीड, वे सफल होने लगे, दे स्टार्टेड बीइंग सक्सेसफुल, या बीइंग दे स्टार्टेड बीइंग सक्सेसफुल, या दे स्टार्टेड सक्सीडिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। वॉक, बच्चा चलने लगा, द चाइल्ड स्टार्टेड वॉकिंग, अरेंज का प्रयोग करेंगे, वे व्यवस्था करने लगे, दे स्टार्टेड अरेंजिंग, मैरिज का, जैसे मेरी शादी होने लगी, तो आई स्टार्टेड गेटिंग मैरिड, ये कर देंगे, ठीक है, चलिए। स्लीप का प्रयोग, जैसे बच्चे सोने लगे, द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्लीपिंग, अब स्टार्ट का प्रयोग की जगह पे आप बिगिन का भी यूज कर सकते हैं हर जगह पे, ठीक है, लेकिन बस आपको याद रखना है कि जब बिगिन का यूज करेंगे या बिगिन का यूज करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू रख देना है, और स्टार्ट यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर देना है, ठीक है, चलिए और समझ लेते हैं। स्लीप, बच्चे सोने लगे, द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्लीपिंग, होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना, तो वे प्लेट पकड़ने लगे, दे स्टार्टेड होल्डिंग प्लेट्स, या दे बिगेन टू होल्ड प्लेट्स। फाइट, वे लड़ने लगे, दे स्टार्टेड फाइटिंग, ठीक है, वे लड़ने लगे। क्वेरल मतलब झगड़ा करना होता है, जैसे औरतें झगड़ा करने लगी, गांव की औरतें झगड़ा करने लगी, तो विलेजर या विलेज वेमेन स्टार्टेड क्वेरलिंग, क्वेरलिंग कर देंगे, ठीक है। हेट, हेट मतलब नफरत करना, जैसे मैं तुमसे नफरत करने लगा, तो आई स्टार्टेड हेटिंग यू, ये मेन वर्ब आपका, आई स्टार्टेड हेटिंग यू। लव, जैसे मुझे तुमसे प्यार होने लगा, ऊपर मैंने लिखा सेंटेंस वही है, आई स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद यू, लव कर देंगे, तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा, यू स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद मी कर देंगे। वीप मतलब रोना, बच्चे रोने लगे, तो चिल्ड्रन स्टार्टेड वीपिंग, ये कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको यूज सब वर्ड का यूज कर देना अपने सेंटेंस में घर पे बैठे बैठे। चलिए एडवांस रूल क्लियर हो गया, ठीक है, अब इसके साथ हम और एक एडवांस रूल आगे देखेंगे, आज क्लास में इतना ही बहुत कुछ है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।